मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रयासरत होंगे। और इन्हीं प्रयासों में मेरा भी एक छोटा सा सहयोग है जो मैं आपके साथ निरंतर इस सहयोग को आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और लास्ट टॉपिक में या लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से मैसूर राज्य का अंत हुआ था और पुनः एक बार मैसूर में बाड़ियार वंश की स्थापना की जा चुकी थी। आज जो बच्चों मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये एक प्रकार से कहा जाए, अगर मुझसे पूछा जाए कि अभी तक मैंने जो इतिहास आपको पढ़ाया है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सेक्शन होगा, तो जो मैं आज आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि बंगाल राज्य। ठीक है, तो बंगाल इतना महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वर्ष में, मान लीजिए किसी वर्ष आपको कोई भी एग्ज़ाम है, तो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य ही आ जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा निरंतर, है ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और अच्छी तरीके से उनको बार बार रिवाइज कीजिएगा। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना आपका आधुनिक भारत से पूरी तरह से कवर हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की, कोई किताब या कोई नोट्स इसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, ऐसा मेरा वादा है। क्लियर? और इसका परिणाम अभी 2020 का PCS का एग्ज़ाम होगा वो, या अभी खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होगा वो, तो उसमें जो क्वेश्चंस वगैरह आधुनिक भारत के आएंगे जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, तो वो उसका मतलब एक प्रूफ भी होगा कि हाँ मैं कहाँ तक किस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आज तक जो अब वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहे हैं और उनको देखा जाए तो उनका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो इतना ऊपर है कि आप सामान्य ज्ञान को प्राप्त करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको विशेष ज्ञान की कहीं ना कहीं आवश्यकता हो जाती है और एक स्टैंडर्ड ज्ञान होना चाहिए जो कुछ लोग जानते हैं, उनसे ऊपर एक स्तर आपका ज्ञान का होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बंगाल राज्य। ठीक है, तो बच्चों आज है हमारा टॉपिक बंगाल राज्य। काफ़ी महत्वपूर्ण है बंगाल राज्य। ठीक है, तो देखो बंगाल राज्य की बात करें, बंगाल जो था मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था और मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत था। क्यों? कई दृष्टि से था। एक तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मुगल साम्राज्य में जो या आसपास जो क्षेत्र थे, जो व्यापार वगैरह होता था, व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी बड़ा रोल रहा है बंगाल राज्य का। साथ ही उपजाऊ भूमि बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पर एक बड़ा आय का स्रोत रहा था मुगल साम्राज्य का, एक बड़ी इनकम प्राप्त होती थी मुगल सम्राट को यहाँ से। तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था बंगाल राज्य। जितने भी मुगल सम्राट के प्रांत थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रांत कौन सा था? बंगाल राज्य, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न था। क्लियर? और बंगाल राज्य की बात करें तो हम जो 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बात करने जा रहे हैं मंगल आपके बंगाल राज्य की स्थापना की, वो 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई थी कहानी। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो उस समय बंगाल राज्य था, यानी कि 18वीं शताब्दी 18th century के प्रारंभ में जो बंगाल राज्य था उसमें वर्तमान के कई सारे क्षेत्र शामिल थे। तो बंगाल राज्य में 18वीं शताब्दी के जो वर्तमान के क्षेत्र कौन कौन शामिल थे उनको बात करते हैं। बिहार था बच्चों शामिल उसमें, क्या था? बिहार, एक बिहार शामिल था आपका, वर्तमान का पश्चिम बंगाल शामिल था, वेस्ट बंगाल शामिल था, वर्तमान का ओडिशा या ओडिशा साहब बोलते ओडिशा शामिल था, और वर्तमान का बांग्लादेश। इन चार क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश, इसकी राजधानी क्या है? ढाका। इन चारों को सम्मिलित रूप से कहा जाता था बंगाल, बंगाल राज्य। और ये एक प्रांत था, सूबा था मुगल सम्राट का। ठीक है, मुगल राज्य का, तो इन सबको मिलाकर के बंगाल राज्य बनता था। तो आप खुद समझ सकते हो इतने सारे क्षेत्र सम्मिलित थे, यानी कि एक बड़ा प्रांत था, बहुत बड़ा प्रांत था। तो और जितना भी ये क्षेत्र है सब नदियों के आसपास का क्षेत्र है, काफ़ी उपजाऊ भूमि है, तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या था बच्चों? महत्वपूर्ण था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ठीक है, क्लियर। तो देखो अब मैंने आपको बताया था पहले कि जो बंगाल राज्य हम पढ़ रहे हैं इसका एक पार्ट, छोटा सा पार्ट मैंने आपको, जब आपको
पढ़ाया था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और जब ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश कंपनी किस प्रकार से भारत में अपना प्रसार की थी, वहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में वो दिया था, आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में प्रवेश करे थे। और मैंने आपको बताया था कि 1717 तक की कहानी मैंने आपको वहाँ समझाई थी, मैं उसको शॉर्ट में एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस टॉपिक में 1717 से आगे की कहानी पढ़ेंगे और जानेंगे किस प्रकार से बंगाल की विजय प्राप्त करके 1717 के पश्चात जो कहानी स्टार्ट होती है, बंगाल की विजय प्राप्त करके अंग्रेज भारत के भाग्य विधाता बन गए थे, किस प्रकार से सर्वशक्तिमान भारत में बने थे, उन सब तथ्यों को जानेंगे, उसको कहाँ समझेंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट परिचय दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था 1651 में बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी बच्चों वो कहाँ हुई थी, हुगली में हुई थी, और शाह शुजा जो था बंगाल का उसमें सूबेदार था उसकी अनुमति से प्राप्त की गई थी। 1651 में ही डॉक्टर वर्टन था, डॉक्टर वर्टन जो एक चिकित्सक था उसने क्या करा था, शाह शुजा के हरम में कोई एक महिला थी, उस महिला कोई लाइलाज बीमारी थी, जिस बीमारी को इलाज नहीं था उस बीमारी का उसने इलाज कर दिया था, जिससे खुश होकर के 1651 में अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई थी। ठीक है, इसके पश्चात अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी कोठी फैक्ट्रियां चाहे कासिम बाजार, पटना, ढाका इत्यादि क्षेत्रों में स्थापित की थी और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करने लगे थे। 1698 तक आते आते अजीम शान जो मुगल उस समय आपका सूबेदार था बंगाल का, तो अजीम शान ने अंग्रेजों को तीन क्षेत्र प्रदान किए थे, कलिकाता, सुतनती और गोविंदपुर, इन तीन क्षेत्रों को प्रदान करके, ठीक है, वहाँ पर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम बनाया, यानी कि वर्तमान की कलकत्ता की स्थापना कर दी थी। और फिर आगे चल के 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा एक अधिकार पत्र जारी करा गया अंग्रेजों के लिए, यानी कि 1717 से पूर्व 1717 से पूर्व अंग्रेजों को जो भी अधिकार मुगल सूबेदारों या जमींदारों द्वारा दिए गए थे उन सबको अप्रूव कर दिया मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने। तो बच्चों हम यहाँ तक प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे, आपको ये सब जो कहानी मिलेगी बड़े विस्तार से मिल जाएगी आपको, ब्रिटिश कंपनी वाला जो टॉपिक है मेरा उसमें मैंने बहुत अच्छे विस्तार से आपको समझाया हुआ है, जो कहानी शॉर्ट में बताई है कम से कम इसको आधे घंटे मैंने आपको समझाया है। क्लियर, तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1717 से आगे की कहानी, ठीक है, और जो हम पढ़ेंगे बंगाल राज्य में, मैं एक प्रकार से कहूँ तो आपसे जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो 1717 से 1775 तक की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1775 के बाद बंगाल में नवाब का पद समाप्त कर दिया जाता है और पूरी तरीके से है ना बंगाल अंग्रेज का अधीन हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी हम पढ़ेंगे। तो इस बंगाल राज्य को समझने के लिए जितने भी नवाब हुए हैं बंगाल के 1717 से 1775 तक के, इन नवाबों को हम एक लिख लेते हैं और एक एक नवाब को बंगाल के क्रम बाई हम पढ़ते चलेंगे और उसी में हम सब कुछ, चाहे आपका प्लासी का युद्ध हो, चाहे आपका बक्सर का युद्ध हो, चाहे कालकोटरी घटना हो, जो भी हो, उन सबको क्रमशः हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, एक बार फिर कह रहा हूँ अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर, चलो तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस टॉपिक की आज यहाँ से। तो बंगाल राज्य में जो नवाब हुए थे, पहले मैं उनकी एक लिस्ट बना दे रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट से फ़ायदा ये हो जाएगा आपको, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि हाँ इस तरीके से हमें क्रम बाई क्रम ये पढ़ना है। तो एक लिस्ट बना लेते हैं। तो जो नंबर वन पे रहा था आपका सबसे पहले बच्चों, वो रहा था मुर्शीद, मुर्शीद कुली खान। अगर कार्यकाल की बात करें तो 1717 से है ना बच्चों, ये रहा था 1727 की डेथ हो गई थी। दूसरा जो रहा था बच्चों इसके पश्चात वो बना था शुजाउद्दीन, और शुजाउद्दीन का कार्यकाल था 1727 से बच्चों 1739। इसके पश्चात जो बच्चों तीसरा बना था वो बना था सरफराज खान। सरफराज खान 1739 से 1740 इन 40 रहा था। चौथा जो बच्चों बना था इसके पश्चात 40 में, वो बना था आपका अली बर्दी खान। ये बना था बच्चों 1740 से 1756। अली बर्दी खान के पश्चात जो नंबर पाँच पर आता है आपका 56 के बाद, वो बना था बच्चों आपको सिराजुद्दौला।
इसका कार्यकाल रहा था बच्चों 1756 से 1757। और नेक्स्ट नंबर 6 पर जो आया था आपका, इसके पश्चात वो बना था मीर जाफर। मीर जाफर 1757 से 1757 टू 1760, ठीक है। तो ये 6 थे क्रम के प्रारंभिक। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक? मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला मुर्शिद कुली खान 1717 से 27, फिर शुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खान 1739 से 1740, अलीवर्दी खान 1740 से 56, सराजुद्दौला 56 से 57। भले इसका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष के लगभग हो, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें यही रहता है, ठीक है। मीर जाफर 57 से 60 रहा था। इसके पश्चात बच्चों यह इधर आएगा नहीं, इसको रफ कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं, यहाँ से आ जाएगा इतना। नंबर 7 अगर हम डिस्कस करें, नंबर 7 पर आया था मीर जाफर के पश्चात मीर कासिम। इसका जो कार्यकाल था 1760 से 63। फिर 8 नंबर पर बच्चों दोबारा से मीर जाफर बना था और इसका कार्यकाल 1763 से 65 रहा था। देन बच्चों 9 नंबर पर मीर जाफर के पश्चात जो बना था नजमुद्दौला बना था, नजमुद्दौला कार्यकाल 1765 से 66। नंबर 10 पर जो बना था आपका सैफ उद्दौला बना था, सैफ उद्दौला। इसका कार्यकाल 1766 से 1770 था। क्लियर? और बच्चों लास्ट जो था इसके बाद सैफ उद्दौला जो बना था वो था मुबारक उद्दौला, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775। क्लियर? ये कार्यकाल था। 1775 में बंगाल में नवाब के पद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अंतिम जो नवाब था बंगाल का वो मुबारक उद्दौला था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो मुबारक उद्दौला। इसी प्रकार से अवध का अंतिम नवाब कई बार पूछा जाता है, उसी प्रकार से ये भी कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर? तो ये लिस्ट हमें तैयार करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये खास टफ काम नहीं है कि क्रम से याद नहीं होंगे, सब क्रम से याद हो जाएंगे जब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। और प्रत्येक के जैसे मुर्शिद कुली खान है, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना हम कोई पढ़ेंगे, या नजमुद्दौला के समय की महत्वपूर्ण घटना पढ़ेंगे, तो उनका वर्ष भी हमें अपने आप याद हो जाएगा, तो ये क्रम भी अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। और कई बार होता क्या है कि इन बंगाल के नवाबों का क्रम भी आपसे लगवा लेता है, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण भी हमें, ठीक है। तो इसको घबराना नहीं है, आराम से तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं मुर्शिद कुली खान से, क्योंकि पहला यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मुर्शिद कुली खान, तो देखते हैं मुर्शिद कुली खान के लिए, मुर्शिद कुली खान की कहानी क्या थी, क्या था मुर्शिद कुली खान के बारे में, ठीक है बच्चों। मुर्शिद कुली खान कार्यकाल 1717 से 1727। क्लियर? ये हमारा टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, मुर्शिद कुली खान हुआ क्या था, 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा, क्योंकि इस समय औरंगजेब था, 1707 में डेथ हुई थी औरंगजेब की, तो 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा इसको बंगाल का दीवान बनाया गया। तो हुआ क्या, 1700 में इसको क्या करा गया, मैं है ना, इसके लिए दीवान बनाया गया, दीवान बनाया गया। तो बच्चों दीवान क्या होता है, दीवान होता है किसी भी प्रांत का, ठीक है, राजस्व अधिकारी। तो कह सकते हैं एक प्रकार से प्रांतीय राजस्व अधिकारी, ठीक है। तो 1700 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा इसको प्रांतीय राजस्व अधिकारी यानी कि दीवान के पद पर नियुक्त किया गया, और एक लंबे समय तक दीवान के पद पर कार्यरत रहा था। यानी कि दीवान के पद पर जब कार्यरत रहा, तो काफ़ी हद तक वह राजस्व संबंधी सुधारों से या राजस्व संबंधी एक्टिविटी से, उन क्रियाओं से बहुत अच्छी तरह से क्या था, जानकार था, उनसे मतलब जानकारी रखता था। तो सीधी सी बात है,
जब आगे चल के ये बंगाल का नवाब बना तो ये कहीं ना कहीं सुधार भी करेगा राजस्व संबंधी। ठीक है, चलो ये अलग बात हो गई। तो 1700 इसमें दीवान के पद में नियुक्त हुआ, लंबे समय तक दीवान पद पर कार्यरत रहा था। उसके पश्चात 1717 में इसके लिए बच्चों एक सम्राट है फर्रुखसियर, मुगल सम्राट कौन, फर्रुखसियर। तो 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा इसके लिए यानी मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और बंगाल का नवाब जब ये बना तो इसने कहीं ना कहीं स्वतंत्र रूप से शासन करने की चेष्टा की, एक प्रकार से कहा जाए तो स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि ये ऐसा नहीं था, पूरी तरह से आज़ाद था, अभी भी मुगल सम्राट के अधीन था और मुगल सम्राट को समय समय पर टैक्स वगैरह नजराना यानी कि बहुत सारा पैसा समय समय पर भेजता रहता था। आजाद तो था लेकिन पूरी तरीके से नहीं था, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। तो समय समय पर भेजता रहता था। अब हुआ क्या बच्चों, आगे चल के 1719 में मुर्शिद कुली खान को जो ओडिशा वाला हिस्सा था, ओडिशा वाला हिस्सा भी इसके प्रांत में शामिल कर दिया गया, यानी कि बंगाल वाले हिस्से के साथ साथ में ये ओडिशा वाले हिस्से का भी क्या बन गया, आपका वहाँ का सूबेदार बना दिया गया, इसको वहाँ का नवाब, ठीक है, नवाब बन गया, क्लियर। यहाँ से बात आगे बढ़ाते हैं। अब हुआ क्या बच्चों, आगे चल के इसने एक बहुत बड़ा काम करा था, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, इसने अपनी राजधानी क्या करी थी, राजधानी थी ढाका, इसकी राजधानी क्या थी बच्चों, ढाका थी। इसने अपनी राजधानी को ढाका से कहाँ ले आया, मुर्शिदाबाद ले आया, मुर्शिदाबाद। तो ढाका इसकी राजधानी थी लेकिन कहाँ लेकर के आया, मुर्शिदाबाद लेकर के आया। तो फिर एक बात आती है कि ऐसा क्या कारण था जो अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद इसने परिवर्तित की थी। तो उसका कारण ये था कि इस जो कहते मुगल सम्राट का राजशाही का जो राजकुमार था शुजाउद्दीन, उससे कुछ अंग्रेज़ों को दी जाने वाली छूटों को लेकर के इसका विवाद हो गया था। मतलब वो बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों को छूट देने के पक्ष में था, उनको बहुत सारी रियायतें प्रदान करने के पक्ष में था, जबकि मुर्शिद कुली खान उसके पक्ष में नहीं था। तो इसी बात से नाराज़ होकर के इसने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ चेंज कर दी, मुर्शिदाबाद के लिए परिवर्तित कर दी, क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी मतलब राजस्व दीवान के पद पर रहा था, एक लंबे समय तक दीवान के पद पर कार्यरत रहा था, तो सीधी सी बात है कुछ सुधार भी करेगा। और इस सुधार से इसके यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सुधार से प्रश्न पूछता भी है, ठीक है। तो बच्चों इसने सुधार करे थे तीन, ठीक है। तो इसके सुधार थे भूमि संबंधी सुधार, भूमि संबंधी सुधार। तो इसने बच्चों तीन सुधार करे थे किसने, मुर्शिद कुली खान ने। और तीन सुधार कौन कौन से करे थे, एक तो इसने करा था बच्चों, सबसे पहला जो सुधार था इसका वो ये था कि इसने एक खालसा भूमि का विस्तार, खालसा भूमि का विस्तार किया था। दूसरा इजारेदारी प्रथा की शुरुआत, ठीक है बच्चों। और तीसरा जो कार्य था इसका, खालसा भूमि हो गया, इसका विस्तार करता है, इजारेदारी प्रथा का इसने शुरुआत की थी, ठीक है। और इसने बच्चों ये करा था कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया, ठीक है। इसके तीन बड़े सुधार थे, खालसा भूमि का विस्तार किया, इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, और कृषकों को है ना टकावी, कृषकों को टकावी ऋण प्रदान किया। ये तीन कार्य थे। अब एक एक कर डिस्कस करते हैं खालसा भूमि क्या होती है, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है खालसा भूमि क्या होती है, तो खालसा भूमि वो होती है, आई थिंक इस बार भी PCS में नहीं किसी और एग्जाम में था। तो खालसा भूमि क्या होती है, खालसा भूमि वो भूमि होती है जिसका जो टैक्स होता है, जिसका जो रेवेन्यू होता है, जो कर होता है, वो सीधे ही सुल्तान के अथवा नवाब के खाते में जमा होता है। यानी कि ये कहा जाए खालसा भूमि जो होती है वो डायरेक्टली ही नवाब के अधीन होती है, और उससे जो भी आय प्राप्त होगी वो सीधे ही केंद्रीय खजाने में जाकर के क्या होगी, जमा होगी। उस रुपए पर किसी भी अधिकारी का, बीच वाले अधिकारी कोई अधिकार नहीं होता, इस पर भूमि का प्राप्त होने वाला संपूर्ण अधिकार जो होता है कर का, वो किसका होता है, नवाब का होता है, क्लियर। तो इसने क्या करा था, क्योंकि जब ये नवाब बना था वहाँ का बंगाल का, तो इसके समय से पूर्व जो भूमि थी वो बहुत सारे अधिकारियों में बटी हुई थी,
बहुत सारे अधिकारों में डिवाइडेड की हुई थी। उसने क्या करा, उन अधिकार से भूमि को छीना, उनसे प्राप्त करा और उन सब भूमि को खालसा भूमि का नाम दे दिया, जिससे क्या हुआ, सारा का सारा टैक्स केंद्रीय खजाने में आने लगा और नवाब के पास एक बड़ी अच्छी राशि में रुपया क्या हुआ, आना प्रारंभ हो गया और एक बड़ी आमदनी का स्रोत बन गया। ठीक है, तो इसलिए खालसा भूमि का विस्तार इसने किया था। दूसरा बच्चों, इजारेदारी प्रथा, इसको ठेका प्रथा भी कहा जाता है, ठेका प्रणाली, ठेका प्रथा। ठेका प्रथा का मतलब ये है कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र से अधिक है ना टैक्स रिवेन्यू करके देगा। या होता क्या था कि मान लो कोई क्षेत्र है तो इस क्षेत्र की बोली लगाई जाती थी कि हमें इस क्षेत्र से इतना रुपया चाहिए, मतलब कर के रूप में, तो उसी व्यक्ति को वहाँ से कर उगाने की परमिशन दे दी जाती थी। तो बहुत ही बच्चों आपकी इजारेदारी प्रथा, इसको ठेका प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। कृषकों को तकावी ऋण, तकावी ऋण का मतलब ये हो गया कृषि ऋण, मतलब किसानों को कृषि के लिए ऋण देना प्रारंभ कर दिया था। क्लियर। हालांकि इसकी शुरुआत मध्यकालीन भारत में हुई थी और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भी तकावी ऋण प्रदान किया गया था। तो वहाँ भी कई बार पूछा गया जा चुका है कि किसने तकावी ऋण मुगल काल में, सॉरी सल्तनत काल में दिया था, तो वहाँ आपका मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसे बोलते हैं, उसने भी कृषकों को तकावी ऋण की शुरुआत की थी। लेकिन ये तकावी ऋण पहले से चला आ रहा था, लेकिन इसने नवाब के तौर पर बंगाल में तकावी ऋण देना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसने ये बहुत सारे सुधार करे थे। अब कोई व्यक्ति जब इतने सारे सुधार कर रहा है तो सीधी सी बात है उसके दुश्मन भी पक्का हो जाएंगे। तो वही हुआ, हुआ क्या, इसके द्वारा किए गए भूमि सुधारों को लेकर जमींदार वर्ग ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जमींदार वर्ग मतलब समझ गए ना आप, तो जमींदारों ने क्या करा, विद्रोह कर दिया। और इसके समय बच्चों तीन विद्रोह हुए, इसके समय क्या हुआ, तीन विद्रोह हुए। जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो तीन लोगों ने मिलकर करा था। ठीक है, उसमें एक था आपका सीताराम राय, दूसरा था आपका बच्चों उदय नारायण और तीसरा जो व्यक्ति था वो था गुलाम मोहम्मद। ये प्रथम विद्रोह हुआ था। द्वितीय विद्रोह हुआ था बच्चों, वो करा था आपका सुजात खान। और तीसरा जो विद्रोह हुआ था बच्चों, वो करा था नजात खान। इस प्रकार से कुल तीन विद्रोह हुए थे। और कारण क्या था, कारण बच्चों ये था, तीनों ही किसने करे, जमींदारों ने करे थे। और कारण ये था कि मुर्शिद कुली खान द्वारा किए गए भूमि सुधार, इनके चलते इन लोगों ने विद्रोह किया था। यहाँ से प्रश्न आ चुका है, लेकिन एक जब पहले PCS का ऑप्शनल पेपर होता था हिस्ट्री का, तो वहाँ से इनका क्रम लगवाया हुआ है। ठीक है, कि प्रथम विद्रोह, द्वितीय विद्रोह में कौन कौन व्यक्ति थे, इनका क्रम पूछा गया है कि इनका क्रम लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ से विद्रोह से पूछ सकता है आपसे भी। अब मैंने देखा है कि जो पहले GS ऑप्शनल, जो पहले ऑप्शनल का पेपर होता था UPPCS में, उनके प्रश्न आजकल PT में प्री में उठा करके पूछ रहा है। और 2019 का जो PCS का प्री का पेपर रहा है उसकी जो GS है एकदम स्टैंडर्ड रही है और इतिहास को बहुत अच्छे से पूछा गया है। तो आप सोचो वो ऊपरी आप पढ़, कहानी पढ़ लो तो उससे काम नहीं चलेगा। अब थोड़ा सा इतिहास में आपको डीपली जाना पड़ेगा सिलेक्शन लेना है तो, है ना, कोई भी एग्जाम हो थोड़ा सा नीचे तो अंदर से जाना ही पड़ेगा टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन विद्रोह हुए थे, इनको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आगे चल के हुआ क्या, 1727 में इसकी मृत्यु हो जाती है और ये बच्चों क्या होता है, मर जाता है। क्लियर, और इसके द्वारा ऐसा विशेष कार्य नहीं था। ठीक है, ये इसके प्रमुख कार्य थे जो इसने करे थे, सुधार कार्य इसने अच्छे करे थे। ठीक है, वो सब इसका होता रहा था। क्लियर, अब हम जो बात करते हैं आगे, बात करते हैं किसके बच्चों, हम आपका दूसरा जो हमारा नवाब है बंगाल का, सुजाउद्दीन। कार्यकाल की बात करें तो बच्चों 1727 से 1739। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, कोई विशेष कार्य नहीं करा था इसने। ठीक है, पहली बात ये था कौन, तो ये बच्चों दामाद था किसका, मुर्शिद कुली खान का दामाद कौन था, सुजाउद्दीन था। और जैसे ये उसका मतलब क्या कहते हैं आपका, मुर्शिद कुली खान का दामाद जब बंगाल का नवाब बना,
तो एक प्रथा शुरुआत हो गई, और प्रथा की शुरुआत कौन सी हुई, प्रथा ये शुरुआत हुई कि वंश यानी परंपरावादी है ना शासक बनने शुरू हो गए। अब बंगाल में पहले कौन था, मुर्शिद कुली खान, अब उसका दामाद बना, फिर इसका दामाद भी जो था सुजाउद्दीन, इसका बेटा आगे चल के क्या बनेगा, बंगाल का नवाब बनेगा। तो वंशवादी परंपरा की शुरुआत हुई थी किसके समय से, मुर्शिद कुली खान के समय से ही। क्लियर, ये एक नई चीज़ थी बंगाल में। इससे पहले मुगल सम्राट होता था वो बंगाल के नवाब को नियुक्त करता था, वो कोई भी हो सकता था, कोई उसको हटा भी सकता था, जब चाहे तब नियुक्त कर सकता था, लेकिन इसने क्या करा था, वो प्रथा समाप्त हो गई थी। और इसके अलावा कोई विशेष कार्य नहीं था मुर्शिद इसका सुजाउद्दीन का। इसके समय एक था बस, अगर आप समझना चाहो तो 1733 में 1733 में क्या हुआ था, जो बिहार था, बिहार वाला जो हिस्सा था, बिहार वाला हिस्सा भी इसको दे दिया गया, और इसके अधीन सुजाउद्दीन के अधीन बंगाल राज्य में बिहार भी इसके अधीन आ गया। क्लियर, दूसरी बात, जब इसको बिहार मिला सुजाउद्दीन को, तो इसने बिहार में एक नायब सूबेदार बनाया, नायब सूबेदार बनाया। और बच्चों नायब सूबेदार कौन था, तो नायब सूबेदार था अली बर्दी खान। तो वाई चांस आपसे पूछ ले कि बंगाल के नवाब बनने से पूर्व अली वर्दी खान कहाँ का नायब सूबेदार था, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। आगे चल के इसी ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो हम याद के लिए रोक गया, चलो अब हम आगे बात करते हैं किसकी, सुजाउद्दीन में और कुछ खास नहीं है, अब बात करते हैं सरफराज की। तो बच्चों बात करते हैं सरफराज खान, सरफराज खान इसका कार्यकाल 1739 से 40 था। क्लियर, ये बहुत ज़्यादा आलसी था, और साथ में आपके बच्चों भोग विलासी व्यक्ति था, भोग विलासी। बहुत ज़्यादा आलसी व्यक्ति और भोग विलासी सर, राज्य के प्रति इसका कोई खास रुचि नहीं थी, बस भोग विलास में पड़ा रहता था, हरम में पड़ा रहता था, इसके अलावा उसका कुछ खास नहीं था। ठीक है, सरफराज खान। दूसरी बात, इसके समय नायब सूबेदार कौन था बिहार का, नायब सूबेदार कहाँ का बच्चों, बिहार का, तो वो कौन था, वो था बच्चों आपका अली वर्दी खान, अली वर्दी खान। दूसरा एक और पॉइंट रह गया इसके बारे में, ये किसका पुत्र था, तो ये बच्चों पुत्र था सुजाउद्दीन का, सुजाउद्दीन का पुत्र। क्लियर, तो इसके समय सरफराज खान के समय नायब सूबेदार था बिहार का कौन, अली वर्दी खान। क्लियर, और अली वर्दी खान ने क्या करा बच्चों, बिहार में विद्रोह कर दिया, बिहार में क्या कर दिया बच्चों, विद्रोह। विद्रोह किसके खिलाफ करा, सरफराज खान के खिलाफ। ठीक है, और जब इसने विद्रोह कर दिया सरफराज खान के खिलाफ, तो सीधी सी बात है नवाब के लेकर जाएगा, अपनी सेना लेकर के जाएगा इसको दबाने के, विद्रोह को ख़त्म करने के लिए, और वही हुआ, ये अपनी सेना लेकर के चला। लेकिन एक युद्ध हुआ था इसी, जब ये दोनों सेनाएं आमने सामने आई, अली वर्दी खान आया इधर से, ये आया, तो एक स्थान है गिरिया, अब मैं डायग्राम बताऊंगा आपको, डायग्राम बनाकर समझा दूंगा, गिरिया, गिरिया नामक स्थान पर युद्ध हुआ था दोनों, इसलिए इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ वो गिरिया का युद्ध कहलाया, गिरिया का युद्ध कहलाया। और गिरिया का युद्ध बच्चों मार्च 1740 में हुआ था। ठीक है, और आपसे पूछे किसके मध्य हुआ था गिरिया का युद्ध, आप कहोगे मध्य, तो बच्चों मध्य हुआ था किसके, इसके सरफराज के, सरफराज खान, और दूसरा कौन था, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान, इन दोनों के मध्य हुआ था। ये बच्चों पराजित हो गया था और ये बच्चों क्या हुआ था, जीत गया था। और जैसे अली वर्दी खान जीता तो बंगाल का नवाब कौन बन गया, अली वर्दी खान। क्लियर, गिरिया कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूँ गिरिया वर्तमान में वेस्ट बंगाल में जिला है मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद जिले के पास में है गिरिया। क्लियर, एक डायग्राम ले ही लेते हैं यहाँ पर, आगे भी डायग्राम जरूरत पड़ेगी हमें। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सरफराज खान भी मारा गया, इस युद्ध में पराजित होता है सरफराज खान और बाद में मारा जाता है, और बंगाल का नवाब कौन बन गया बच्चों, अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बन गया। क्लियर, तो अली वर्दी खान को शुरू करने से पहले डायग्राम ले लेते हैं, कि यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में बता दूंगा, दो चार बातें और भी। ठीक है, तो बच्चों गिरिया का युद्ध पूछा जा सकता है आपसे, गिरिया का युद्ध कब हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था, क्योंकि इस बार जो PCS का 2019 का पेपर हुआ था उसमें दो तीन युद्ध ऐसे पूछे गए हैं जो समानता नहीं पूछे जाते। जजाओ का युद्ध पूछा गया था, है ना, जजाओ का युद्ध पूछा गया, एक और था
सरनाल का युद्ध पूछा गया था, गुजरात में हुआ था वो युद्ध पूछा गया है, तो छोटी छोटी चीज़ें जीएस में पूछने लगा है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और गिरियागत तो वैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, अलीवर्दी खान से रिलेटेड है, अलीवर्दी खान मुर्शिद कुली खान दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं बंगाल में, क्लियर। तो मैं एक डायग्राम यहाँ ले ले रहा हूँ छोटा सा, उसमें आपको ये सब स्थल को दर्शा दे रहा हूँ, कौन सा स्थल कहाँ था क्या था, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ इसको लेते हैं, ये आ रहा है आपका वहाँ से ऊपर वाला भाग हमारा, ठीक है, यहाँ यहाँ पर बांग्लादेश है, इस प्रकार से कुछ कुछ इसका डायग्राम है बांग्लादेश, ठीक, इस प्रकार से, और यहाँ से इस प्रकार से ये सब मान लीजिए बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है बांग्लादेश, और इसकी राजधानी यहाँ, यहाँ इसकी राजधानी क्या है ढाका, इसकी कैपिटल है यहाँ ढाका है, और इसी के सारे सारे कुछ इस प्रकार से भारत का एक प्रांत है उसका नाम क्या है आपका वेस्ट बंगाल, ये कौन सा राज्य है बच्चों वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इसी वेस्ट बंगाल से लगा हुआ भारत का एक राज्य और है कुछ इस प्रकार से, इसका नाम है बिहार, ठीक है, मेरे पास समझ रहे हो। तो भारत, भारत के यहाँ पर बांग्लादेश एक देश, राजधानी क्या ढाका, इसी देश लगा हुआ भारत का कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से कौन सा देश लगा है आपको राज्य लगा है बिहार। तो यहाँ पर आपको डायग्राम एटलस खोलोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा थोड़ा सा मुर्शिदाबाद, तो यहाँ मिलेगा बच्चों आपको मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद के पास में था आपका क्या गिरिया, और यहीं पर गिरिया का युद्ध हुआ था मार्च 1740 में, जिसमें पराजित हो गया था सरफराज खान और मारा गया बंगाल का नया नवाब, कौन बन गया बच्चों अलीवर्दी खान, क्लियर। तो ये हुआ था यहाँ तक कहानी, क्लियर। तो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी इसको रहने देते हैं अभी बार बार, ठीक है। अब हम जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान कार्यकाल की बात करें तो बच्चों 1740 से 1756, 1756, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण अलीवर्दी खान को लेकर के इसका एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। वहाँ पर जाने से पहले इसके बारे में बेसिक बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि बंगाल का नवाब बनने से पूर्व किस पद पर कार्यरत था ये, तो ये पद पर कार्यरत था बिहार के नायब सूबेदार के पद पर, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बात करें, गिरिया के युद्ध में पराजित करके बंगाल का नवाब बनता है, ठीक है, और एक काफ़ी शक्तिशाली भी था। इसका सबसे पहला काम क्या था, जैसे इसने गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को हराया, क्योंकि वो दूसरा वंश था अलीवर्दी खान, उसका दामाद, फिर उसके दामाद का बेटा नवाब बना, लेकिन अब ये अलग आ गया, ये तो नायब सूबेदार था, अलग था, उस परिवार से नहीं था। तो इसने क्या करा, जब ये गिरिया के युद्ध में जीता तो बच्चों इसने एक काम करा, इसने ये काम करा कि जो बंगाल उसमें मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट, इसने मुगल सम्राट को क्या दिया बच्चों, घूस दी, और घूस दी इसने 2 करोड़ की, ठीक है। आज समझ के कौन होगा इस मुगल सम्राट, मोहम्मद शाह रंगीला, इसने 2 करोड़ रुपए की घूस दी, रिश्वत दी, और क्यों दी, कारण ये था क्योंकि इसने अपने पद का, अपने पद को स्वीकृति प्राप्त कराई, किससे, मुगल सम्राट से स्वीकृति, पद अपने पद के लिए मुगल सम्राट से स्वीकृति प्राप्त करा ली, या है ना पद को स्थाई स्थाई बनाया। मैंने बताया उसके परिवार से संबंधित नहीं था, एक नए व्यक्ति बंगाल का नवाब बन रहा है, तो जब बंगाल का नवाब बनेगा, अगर मुगल सम्राट जो भारत का मुगल सम्राट था, अगर मुगल सम्राट इसको परमिशन दे देता है कि ठीक है बंगाल का तो नवाब है, तो अब इसके विरोधी हैं वो उसका विरोध नहीं करेंगे, इसलिए इसने 2 करोड़ रुपये घूस देकर के मुगल सम्राट को अपने पद की स्वीकृति करा ली, जिससे उसका पद क्या हो गया, स्थाई हो गया, और अब ये प्रॉपर तरीके से मुगल सम्राट के आदेश के बाद क्या बन गया, बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है। दूसरी बात ये भी क्या करने लगा था, स्वतंत्र रूप से शासन, केवल नाम मात्र का, क्योंकि स्वीकृति प्राप्त किया है तो केवल नाम मात्र का मुगल सम्राट के अधीन था, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से क्या था बच्चों, स्वतंत्र था, इस पर किसी प्रकार का कोई भी दबाव मुगल सम्राट का नहीं था, कहीं से कहीं तक भी उसके अधीन कार्य करे, क्लियर, ठीक है। नवाब बन गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने कार्य करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत हुई, दिक्कत ये हुई बच्चों कि जितना का कार्यकाल रहा है 1740 से 56 तक, जैसे ये नवाब बना तो 1740 से लेकर के 1740 से लेकर के और 1751 तक लगातार लगभग प्रतिवर्ष ही मराठों ने क्या करा,
मराठों ने बंगाल पर आक्रमण किए। ठीक है, 1740 से 1751 तक लगभग लगातार प्रतिवर्ष मराठों द्वारा, यहाँ मराठे थे आपके, यहाँ मराठा हो गया, मराठा लगातार किस पर अटैक कर रहे थे, बंगाल पर। ठीक है, और यहाँ पर आप जानते हो यहाँ वर्तमान यहाँ कौन सा राज्य आएगा, ओडिशा आ जाएगा। लगातार अटैक हो रहा था इस पर बार बार, तो दुखी हो गया था बहुत ज़्यादा उनके बार बार आक्रमण से, क्योंकि हर वर्ष ये आक्रमण करते थे, तो इनकी वजह से वो अपने राज्य के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पा रहा था। इसी बात के चलते इसने क्या करा, 1751 में इसने एक संधि की मराठों के साथ, और मराठों की संधि जो हुई थी वो किस किसके मध्य हुई थी, अलीवर्दी खान के, अलीवर्दी खान प्लस मराठों तरफ से जो संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो तो रघुजी भोंसले। तो 1751 तो 1751 में अलीवर्दी खान और रघुजी भोंसले के मध्य संधि हुई, और उस संधि में डिसाइड ये हुआ कि ये जो बंगाल राज्य का ओडिशा वाला भाग है, वर्तमान का ओडिशा, ये ओडिशा वाला जो भाग है ये किसको मिल गया, मराठों को मिल गया। ठीक है, तो इसने क्या करा, अपने राज्य का एक भाग, पर एक मतलब बड़ा भाग था काफ़ी, ओडिशा, ओडिशा वाला भाग किसको दे दिया, मराठों को दे दिया। ठीक है, वर्तमान में ओडिशा, पहले से ओडिशा बोलते थे, तो किसको मिल गया, मराठों को मिल गया, तो ओडिशा इसके हाथ से गया। दूसरा, इसने बच्चों क्या करा, 12 लाख प्रतिवर्ष, 12 लाख प्रतिवर्ष चौथ, एक कर होता था चौथ, चौथ देना स्वीकार किया। इसके वजह से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वरना इसके बाद मराठा आएगा तो चौथ और स्वदेशमुखी बहुत अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, तो 12 लाख प्रतिवर्ष चौथ देना स्वीकार करा मराठों के, इसने मुर्शिद कुली खान ने, कि ठीक है अभी 12 लाख रुपया मैं तुम्हें प्रतिवर्ष दूंगा चौथ के रूप में, अब मेरा पीछा छोड़ दो। तो मराठों को क्या मिला, ओडिशा मिल गया, और 12 लाख रुपये प्रतिवर्ष का वादा मिल गया। तो अब मराठों ने बच्चों इस पर अटैक करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब मराठे इसको परेशान नहीं करते थे, अब कुछ अपने राज्य के लिए बेहतर कुछ कर सकता था अथवा सोच सकता था। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ें तो आप समझ गए, एक बड़ा हिस्सा यहाँ तक चला गया। अब मराठों का विस्तार कहाँ तक हो गया बच्चों, मराठों का विस्तार ओडिशा तक हो गया। क्लियर, ठीक। आगे बात मुर्शिद कुली खान के बारे में, तो मुर्शिद कुली खान बच्चों क्या हुआ, आगे चल के इसने एक स्टेटमेंट कहा था अंग्रेज़ों के विषय में। ठीक है, वो स्टेटमेंट इसका महत्वपूर्ण है, अलीवर्दी खान का। इसने ये कहा था, यूरोपीय जो कंपनियाँ थीं, अंग्रेज़ों के विषय में नहीं बल्कि यूरोपीय कंपनियों के विषय में कहा था, और कई बार ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है। इसने यूरोपीय कंपनियों को मधुमक्खी माना था, क्या माना, मधुमक्खी। और उसने ये कहा था कि यूरोपियन कंपनियाँ है ना को अगर ना छेड़ा जाए, यूरोपीय कंपनियों को अगर ना छेड़ा जाए तो वह हमें शहद देंगी, है ना, हनी शहद देंगी, और अगर इन्हें छेड़ा गया तो हमें काट काट कर मार डालेंगी। तो ये स्टेटमेंट एक बार नहीं, कई बार ऑप्शनल में पहले पूछा जाता था, वर्तमान में जीएस में खूब पूछा जाता है, पूछता है ये स्टेटमेंट किसका है, किसके लिए कहा गया है। तो है ना, मुर्शिद कुली खान का स्टेटमेंट है, सॉरी अलीवर्दी खान का स्टेटमेंट है। क्लियर, और ये यूरोपियन कंपनी के लिए कहा गया है, अगर यूरोपियन कंपनी ऑप्शन में ना हो तो आपको अंग्रेज इसका बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, तो ये सब बातें। अब जब ये आज की बात करते हैं अलीवर्दी खान की, इसके बच्चों तीन बेटियाँ थीं, इसके तीन कितनी पुत्र थी, तीन, इसकी तीन पुत्रियाँ थीं, और इसने अपनी तीन पुत्रियों का विवाह किया था। एक पुत्री का विवाह किया था इसने पूर्णिया, पूर्णिया वर्तमान में पूर्णिया कहाँ पर बच्चों, बिहार में। दूसरा विवाह किया था इसने पटना, पटना कहाँ पर बच्चों, बिहार में। और तीसरा विवाह किया था इसने कहाँ पर, ढाका, ये कहाँ पर बच्चों, बांग्लादेश। दिखा दे रहा हूँ एक बार, यहाँ एकदम ऊपर में यहाँ पर, ठीक है, बिहार के ऊपर को आपको यहाँ मिलेगा पूर्णिया, काफ़ी फेमस है पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया। और बच्चों यहाँ पर ये वाला जो भाग है, यहाँ पर बच्चों आपका पटना, ठीक है। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह कहाँ कहाँ किया, ढाका, तो आपका ये रहा ही, ठीक है। तीन पुत्रियाँ थीं, एक का विवाह पूर्णिया में करा था, एक का विवाह पटना में करा था, एक का विवाह ढाका में करा था। लेकिन इसके जीवन काल में ही, यानी कि मुर्शिद कुली खान के, अलीवर्दी खान के जीवन काल में ही इसके तीनों दामादों की बच्चों क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी।
इसके तीनों दामाद इसके जीवन काल में ही मृत्यु हो गई थी। इसके कोई पुत्र नहीं था, उत्तराधिकारी घोषित किसे करें। तो इसने अपनी सबसे छोटी जो बेटी थी उसका बेटा था सिराजुद्दौला, उसी अपनी यानी कि अपने नाती को इसने अपना अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ हमारा कौन, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान तक की कहानी। तो हमने किस किस को पढ़ा आज, हमने आज पढ़ा मुर्शिद कुली खान को, उसके बाद सुजाउद्दीन को, फिर सरफराज खान को, फिर अलीवर्दी खान को। इन चार को हमने आज डिस्कस कर लिया। इसके पश्चात जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो पूरी वीडियो सिराजुद्दौला के लेकर के प्लासी का युद्ध, उसमें पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, काल कोठरी घटना वगैरह सब कुछ उसमें आ जाएगा। तो वो एक वीडियो हमारी अगला लेक्चर होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्लियर, तो बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है, कहानी एंड करेंगे 1775 तक, जब हम पढ़ेंगे मुबारकुद्दौला को जा करके, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक जा करके, वहाँ जाके एंड होगा बंगाल राज्य का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, निरंतर लगातार पढ़ते रहिएगा, ठीक है, बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, मैं इसी तरह से आप लोगों को लगातार पढ़ाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी बेहद पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए बच्चों, शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है बाई चांस आपके मतलब की वीडियो ना रही हो, लेकिन हो सकता है किसी और के लिए बेहतर हो, ठीक है, तो आपको एक छोटा सा प्रयास वीडियो को लाइक शेयर करने का, हो सकता है हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा होगा, दूसरे के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ओके, धन्यवाद।